फुल मारधार, फुल मारधार चल रहे हैं। अबे उधर से घुस गए ना। नमस्ते सबको, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूं मथुरा वृंदावन बरसाने की होली खेलने। मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं, तो वहां पे खूब मजा आएगा। और जो भी होगा मैं सब आपको दिखाऊंगा, सब चीज बताऊंगा, कहाँ रुके, कितने रुपए लगे, सब कुछ ए टू जेड, जिससे आप लोग भी जाओ तो उसकी दिक्कत ना हो। बाकी अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, वहां पे 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर ट्रैफिक व्रैफिक हो जाता है, दिक्कत होती है। तो अभी मैं घर से निकलता हूँ और जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ आगे, तो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, ठीक है? बिल्कुल नींद में हो रही है। बाय दादी। तो अभी हम गाड़ी साफ कर रहे हैं और मेरे साथ है अश्विनी भाई, और अभी हम दोस्तों को और जो बचे हुए हैं दोस्तों को लेकर निकलेंगे मथुरा की ओर। तो ये अंकित भैया आ गए, राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। अश्विनी भाई, सारे भाई हो भाई, राधे राधे, राधे राधे भाई, मथुरा चल रहा है बाबा की भाई, राधे राधे, जय राधे राधे, लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश टेम्पल, बोटिंग से जा रहे हैं। ये वाले भैया ले जा रहे हैं, भैया हाय बोल दो इधर देख के। तो भाई साहब हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, वो भी टेम्पल से। राधे राधे भाई, टेम्पल से। बिगिनर बिगिनर। घर भूखने से गांजा नहीं चढ़ता। तो हम जा रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल जा रहे द्वारकाधीश। नाव से नाव जा, मैं ऑटो बोलने वाला था। देखो हमारी कश्ती तो वैसे ही डूबी पड़ी, अब देख रहे हैं भैया हमारी कश्ती कैसे पाल लगवाते हैं। चलो चलो चलो, नारस वाला फील ले रहे हो हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार करके यहाँ करके विश्राम किया, तो इसलिए नाम पड़ा इसका विश्राम घाट। तो ये है हमारा विश्राम घाट। तो ये हम आ गए विश्राम घाट, जो यहाँ पे मंदिर है ना उसके अंदर आए हुए हैं। ये 2-3 बड़े बड़े घंटे इसको हम बजाएंगे कूद के। अब हम विश्राम घाट से होते हुए जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, यहीं से गली से रास्ता है, तो आगे दिखाते हैं आपको वो मंदिर। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है, यहाँ का माइनस पॉइंट ये है कि ये जो बंदर है ना कभी फोन लेकर भाग जाते हैं। फोन नहीं कुछ भी। और ये हम लोग आ गए द्वारकाधीश मंदिर, अब अंदर जाते हैं, फोन तो अलाउड नहीं है। जब गार्ड वार्ड आए तब आप लोग फोन अंदर रखें। वो तेज हो रहे। वो महिलाएं की लाइन, तो महिलाएं में जाएंगे, अर्जुन भाई जाएंगे और ये अश्विनी भाई जाएंगे, विशाल भाई जाएंगे, नवीन भाई बता नहीं रहे हैं, ये भी जाएंगे। चल वहाँ दर्शन कर रहे थे और इन दोनों के ऊपर बंदरों ने हक दिया। दोनों के ऊपर इसके ऊपर भी बराबर दिया। क्या हो गया? पता है क्यों होगा? तुम लोग ना बचपन के टट्टी चोर हो, सबके सब चोर हैं साले। तो अभी हम लोग द्वारकाधीश के दर्शन करके आ चुके हैं, भाई ने अपने शर्ट पे हगवा लिया है नड़िया सिर पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, वहाँ पे हमारा होटल है ना, तो वहाँ पे चेक इन करके फिर हम लोग जाएंगे बरसाने में होली खेलने। तो जो भी होता आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पे वेज बिरयानी खा रहे हैं हम सारे भाई लोग। कैसी है भाई तुम्हारी? तो अभी हम लोग होटल में आ गए, मैं अपना रूम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा रूम, एक ये वाला रूम है और एक ये वाला रूम है, दोनों जॉइंट है। भाई कैसा रूम है भाई? तगड़ा रूम है, तगड़ा रूम। अंकित भैया घुस गए, भैया तगड़ा रूम है। अच्छा तो यही हमारा रूम है, और बताए ये 3200 रुपए में 2 रूम हमने कर दिया 6 लोग का, बहुत सस्ता, सस्ती मस्ती कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब जो भी होता है आगे बरसाने की होली दिखाते हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं। पिछली बार हम लोग नंदगांव गए थे, वहां भी बहुत मजा आया था, और यहाँ आज लटमार होली है। तो जो भी होता है दिखाते हैं आपको, आप बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, और रेडी होके चलते हैं।
तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं बरसाने की होली खेलने। बहुत मजा आएगा ना भाई लोग, बहुत ज्यादा। अब चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का माहौल। और अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी पहले कुछ खा रहे हैं छोले कुलचे, फिर यहाँ से ऑटो मिलेगी बरसाने के लिए, तब वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग निकल गए ऑटो में बैठ के, 100 रुपए सवारी है वहां तक की, बरसाने की होली वहां खेलने जा रहे हैं। बरसाने तक की 100 रुपए की सवारी है, 6 भाइयों बैठ गए 600 रुपए, अभी 4 को और घुसाएंगे ये लोग। तो इसी बात पे बोलो प्रेम से, बोलो आगे वाले नीचे वाले हीरा कुंड वाले गाजियाबाद वाले। तो अभी हम लोग आ गए बरसाने में और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। अब ले रहे हैं थोड़ा सा रन, यहाँ पे सबको लगाएंगे, बोलो राधे राधे भाई, राधे राधे। बरसाने में बवाल मचाएंगे और दर्शन करेंगे भाई अब, ठीक है। और अब लगा लिया रंग, अब करेंगे भंग। हमने 100 के 2 कट्टे ले लिए रंग के, अब रंग करके बंग करेंगे। पूरे रंग में रंग चुके हैं भाई साहब। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। बहुत जेनुइन माहौल इनके को रखा, बहुत जेनुइन माहौल। ये लो भैया रंग दे दो जरा। तो 2 कट्टे हमने रंग के उठा लिए यहाँ से। लाल लिया था तूने? एक यार लाल ले लो, ले लो लाल ले लो। क्रेजी सीन हो रखा है पूरा यार। बोला राधा रानी की। लस्सी ले ली भाई, लस्सी लस्सी खुशी दिखाओ, 80 दारू छोड़ के पी लो लस्सी। अभी राधा रानी का मंदिर बंद है, 5 बजे खुलेगा, तो अभी हम यही वेट करते हैं फिर जाएंगे। यहाँ से गए तो बैरिकेडिंग लगे, पुलिस वाले आने नहीं देंगे वापस, तो यही हम सोच रहे खड़े हो जाए। तो जा रहे हैं लठमार होली खेलने सब लोग। फुल मारधार, फुल मारधार चल रहे हैं। अब उधर से घुस गए ना। तो अभी हम लोग निकल गए घर के लिए और बरसाने की जो होली है ना पूरे अच्छे से हमने तो खेली, पर राधा रानी की हम दर्शन नहीं कर पाए। पूरा सीन बताता हूँ वहां पे कैसे। तो इतना घिच्चम घिच्ची क्राउड था ना भाई साहब, हालत खराब हुई, चलने तक की जगह नहीं थी बिल्कुल भी, पर फिर भी हमने बहुत ज्यादा इंजॉय करा। और पूरा सीन बताते हैं अगले दिन हम कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। वहां से हम निकल गए निराश होकर, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, हालत खराब हो गई थी और पुलिस वाले इधर उधर कहीं नहीं देख रहे थे, बस मार रहे थे लोगों को भीड़ कंट्रोल करने के लिए। तो हम निकल गए फालतू के, कोई सीन नहीं चाहते थे इसलिए। पर यहाँ अलग ही माहौल था, अलग ही वाइब थी, बहुत मजा आ रहा था यहाँ पर। फिर सबसे पहले हमने जाकर खाना खाया क्योंकि बहुत भूख लगी थी, एक थाली 260 रुपए की थी। फिर घर जाकर सो गए और ये अगले दिन रेडी होकर हम लोग निकल गए बांके बिहारी जी मंदिर। सारे भाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जहां हम स्टे कर रहे थे ना वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। फिर हमने दर्शन करे, पर पता नहीं अंदर जाकर ना अलग ही पॉजिटिविटी, अलग ही यार बहुत अच्छा लग रहा था। इतना ज्यादा ना मतलब बता नहीं सकता, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। आप लोग भी जाना ना, तब आपको पता चलेगा। मैंने दादी के लिए एक झुमका लिया, 2 झुमके लिए, और फिर उसके बाद हम गए राधा वल्लभ महाराज जी के मंदिर। बाकी बिहारी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये 600 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास, और यहाँ होली मस्त खेली जा रही थी। और उसके बाद हम प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर तो इतना सुंदर बना रखा है ना, पूछो मत। रात में इसका 200% अच्छा लगता है, इतना सुंदर हो जाता है जब लाइटिंग पड़ती है ना तब। फिर हमने यहां भी दर्शन करे, थोड़ा घूमा, सब जगह गए।
बैठकर घर की ओर निकल गए गाना गाते हुए। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो यही सब हुआ, लेकिन मजा बहुत ज्यादा आया, बिल्कुल अलग ही वाइब थी। है भाई लोग, बिल्कुल भाई एकदम मौज आ गई पूरी। और भीड़ तो मतलब यार बहुत भीड़, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पर बिल्कुल अच्छी वाइब। आप लोग भी जाओ भाई, होली के टाइम पे ना भीड़ होती है कोई नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, कुछ कह नहीं। बाकी ये व्लॉग यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके भाई लोग, राधे राधे।